Hey guys, welcome back to the YouTube channel. I hope you guys doing absolutely fine. My name is Arun और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में. तो बिफोर चलो आपने वीडियो और टाइटल और थंबनेल तो देख लिया होगा, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. जस्ट अ मिनट, पहले तो मैं ये वीडियो खोल देता हूँ. तो सी ये ड्रायर है और ये जो है वो वॉशिंग मशीन है. आई नो ऑल्दो इंडिया में ड्रायर बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं है, पर यहाँ पे ड्यू टू द वेदर हमको वॉशिंग मशीन तो यूज़ करना ही पड़ता है, लेकिन ड्रायर भी यूज़ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कपड़े सूखते नहीं है. लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो, नए आ रहे हो, तो बट ऑब्वियस है कि आपको वॉशिंग मशीन मिल जाए, लेकिन ड्रायर मिले ना मिले, इट्स डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ वॉशिंग मशीन और ड्रायर नहीं है, तो फिर आप लॉन्ड्री मैनेज कैसे करोगे. ये जो बकेट है ये वो पूरा आपको दिख रहा है, ये बकेट हमने पूरा तैयार कर लिया है. एक्चुअली अगर किसी को नहीं पता कि ड्रायर क्या है, क्योंकि इंडिया में बहुत कम यूज होता है, तो जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करते हो, तो अगर बाहर धूप नहीं है, बारिश है, तो उसको सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है. वो एकदम मतलब सुखा देता है कपड़े को. तो ये बकेट हमने भर लिया है यहाँ पे. और बाकी सारी कंट्रीज़ में भी लॉन्ड्रोमेट करके एक जगह होती है जहाँ पे कमर्शियल वॉशिंग मशीन और ड्रायर्स मतलब जो बड़े लेवल के होते हैं वो रखे हुए होते हैं. आप पूरा वीक या 3-4 दिन अपने कपड़े इकट्ठे करो, एक साथ ऐसा बकेट भर के वहाँ पे जाओ, उसको वॉश करो, उसको ड्राई करो और लेके आओ. तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये प्रोसेस कैसे होती है, कितने चार्ज लगते हैं. भाई ये अभी ज़्यादा कपड़े तो नहीं है, बस ये जो 2 ब्लैंकेट है वो ब्लैंकेट हमने किए हैं, आज प्लान किया है उसको वॉश करेंगे और ड्राई करेंगे. ले लिया है, लेकिन अब दूसरी बात ये ज़रूरी है कि अगर ऐसे आपको वॉश कराने जाना है तो फिर गाड़ी की ज़रूरत भी पड़ेगी. तो एक चीज़ दूसरी भी है कि यहाँ पे जो इतने टाइम में मैंने नोटिस किया है, भाई यहाँ पे आप गाड़ी अगर आपके पास नहीं है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है. मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप 100% रिलाई नहीं कर सकते. देखो ये पाउडर भी अपने को लेके जाना होता है. हाँ अच्छा, ये नई चीज़ थी जो मेरे को नहीं मालूम थी कि लॉन्ड्रोमेट में पाउडर भी से ही लेके जाना पड़ता है. तो ये हम पहुंच गए हैं लॉन्ड्रोमेट, ऐसा एक सेंटर होता है जो 24/7 ओपन होता है. और देखो यहाँ पे आपको दूर छोटे छोटे मशीन्स दिख रहे होंगे. मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा. देखो गाड़ी का पार्किंग भी यहाँ एग्जैक्ट सामने मिल गया. और ओके देखो यहाँ पे लिखा है $2 वॉश एंड $1 ड्राई. और एप्पल पे और सारे कार्ड्स पे वे सब जगह आप मतलब ये एक्सेप्टेड है. जो बकेट यहाँ पे भरे है ना, वो बकेट को निकालेंगे, अंदर जाएंगे, पहले वॉशर में डालेंगे, फिर एक दूसरा काम है वो ख़त्म करेंगे. क्योंकि मशीन में डाल के फिर आपको यहाँ पे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टाइम है दिखाता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप छोटा मोटा काम ख़त्म करके वापस आओ. तब तक ये वॉश हो चुका होगा, फिर उसको ड्राई करेंगे, फिर घर जाएंगे. और लॉन्ड्रोमेट भी आप अपने घर से जो भी नज़दीक है आप देख लो, क्योंकि हर लॉन्ड्रोमेट का जो प्राइस है वो अलग अलग होता है. तो डिपेंड्स कि भाई आपको कहाँ पे सबसे चीपेस्ट मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप लॉन्ड्रोमेट सिलेक्ट कर सकते हो. मशीन होता है तो मतलब जो भी वॉशिंग मशीन है आपका, जो भी सामान है, जो भी कपड़े हैं, वो आप देखो साइज में भी कितने बड़े हैं. हमारे घर में जो होता है ना, उससे ये काफ़ी बड़े वॉशिंग मशीन होते हैं. तो ये जो 2 ब्लैंकेट है वो धोने हैं भी, और कुछ नहीं डालना है ना इसमें? नहीं, इतना ही डालना है. देखो तो ये जो कपड़ा है उसको, अरे हाँ ये बंद हो गया है कम्प्लीटली. यहाँ पे हमको डिटर्जेंट डालना है, तो अभी ये डिटर्जेंट डालते हैं. सेम प्रोसेस इंडिया में, मतलब जैसे हम कपड़े घर पे धोते हैं ना भाई, वैसी ही प्रोसेस है, बस ये थोड़े कमर्शियल लेवल पे होता है. 1.5 कप डालना पूरा, वो एक हो गया, आधा हो गया ये दूसरा. तो अभी डिटर्जेंट डाल दिया और हमको करना है हॉट वॉश. तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हॉट. ओके देखो ये हॉट सिलेक्ट हो गया. अब करना है यहाँ से पेमेंट. कोल्ड वॉश का है $7 और जो हम करेंगे हॉट वॉश उसका है $8. अगर कॉइन से आपके पास तो आप यहाँ से कॉइन डाल सकते हो $1 or $2 के. लेकिन यहाँ पे एप्पल पे भी एक्सेप्टेड है, तो आप मोबाइल से. आपको ये भी दिखाता हूँ कि अगर आपके पास, आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना, आपको यहाँ से कॉइन लेना है, तो ऐसा एक सेंटर बना हुआ होता है. आपने नोट डाली और यहाँ से आपको कॉइन मिलेंगे. देखो आवाज़ आ रही है आपको, यहाँ पे कॉइन काउंट भी होता है. लाइक $20 हमने $20 की नोट डाली है. हाँ. और ये हमको $20 के
कॉइन मिले हैं। अब कॉइन जो भी आपका वॉशर ड्रायर है आप यहाँ से कॉइन इंसर्ट कर सकते हो और वो अपने आप काम शुरू हो जाए। ये जो चीज़ होती है ना वो सारी मतलब आपको खुद से ही करनी होती है। यहाँ पे एक भी इंसान आपको नहीं दिखता। यहाँ पे सारे वॉशर्स है और यहाँ पे सारे ड्रायर्स है और आप देखो ये कितनी बड़ी जगह है। तो मतलब ऐसे देखो सबके कपड़े यहाँ अपने आप ऐसे ही वॉश होते रहते हैं, ड्राई होते रहते हैं और खुद से ही आपको आना है जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग। देखो तो हमारे कपड़े भी जो हमने यहाँ पे रखे थे ना, देखो ये देखो मशीन स्टार्ट हो गया है और ये 25 मिनट्स दिखा रहा है। तो 25 मिनट तक आप जाओ अपना काम ख़त्म करके आओ तब तक ये वॉश हो चुका होगा। तो अभी हम चलते हैं अपना काम करने के लिए। आप कर दो इस वीडियो को लाइक और फिर वापस आके उसको ड्रायर में डालते हैं और फिर दिखाते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अपने वॉश हो गए, अभी इसको हम ड्रायर में भर रहे हैं और जैसे ही सेम प्रोसेस है। देखो यहाँ पे भी ये सारे डिस्प्ले और कॉइन वगैरह है, यहाँ पे लिखे हैं उसके प्राइजेस। अब जितने मिनट आपको इसको ड्रायर में चलाना है उतने पैसे लगेंगे। कितने मिनट करना है इसको? हम करेंगे $5.30 ओके। तो ये बंद हो गया है, ओके ऊपर वाला ड्रायर आई और हाँ मतलब सीधा कॉइन डाल देना है इसमें। फिर स्टार्ट करना है, 3, 4, 5 डाले, हाई किया, स्टार्ट किया। देखो ये घूमना शुरू हो गया, ये 51 नंबर का ड्रायर है। अब ये 30 मिनट्स में, देखो यहाँ पे दिखा रहा है 30 मिनट्स में ये ड्राई हो जाएगा, अपना काम खत्म। तो वापस आ गए घर, कपड़े हो रहे हैं ड्राई, 30 मिनट लगेगी। तो इस पूरी प्रोसेस में आप समझो कि $7 हुए हॉट वॉश के, $8 और $5 हुए ड्राई करने के, तो $13 में ये सारी चीज़ें हो गई। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट हो और एज अ कपल भी आ रहे हो और आपके घर में ड्रायर नहीं है तो जैसे मैंने वो पूरा आपको वीडियो दिखाया आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि वो टाइम बेस्ड है कि आपको हमने 30 मिनट सेलेक्ट किया $5। तो ऐसे अगर आप सिर्फ कपड़े ड्राई करने आप, क्योंकि यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कभी बारिश आ जाती है, कभी कभी ऐसा दिन रहता है कि आप लोग को कंपलसरी ड्राई करना पड़ता है, तो ऐसे लॉन्ड्रोमेट में आप जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर किसी दिन ऐसे वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अरुण।